आप अकाउंट्स वाले जिस काम को इम्पॉसिबल मानते हैं, माँ के आशीर्वाद से उसी काम को पॉसिबल करके आ रहा हूँ मैं। इन्हें लोन मिल जाएगा ना? मिल जाएगा, मिल गया माँ। मिल गया? मिल गया? ये ले 1.5 लाख का चेक। देखिए मेरे हाथ गर्म हो रहे हैं, 1.5 लाख में गर्मी होती है। मजाक कर रहे हैं? अरे पर तो मिल गया, लेकिन मेरे साइन? साइन मैंने कर दिए ना आपकी तरफ से फॉर करके। अरे ऐसे कैसे? कल को ऑडिट वाले ऑब्जेक्शन लेंगे तो? अभी वो आप देखना बाबू जी, आप कह लेंगे, मैं तो ले आया चेक, तुम्हें वहां ठीक किया ना? एकदम अच्छा किया। अरे इनकी बात सुनता ही क्यों है तू? मैं इस चेक को ठाकुर जी के चरणों से छुआ के लाती हूँ बाबू जी। लेकिन अपना सेठ जो है ना, आदमी कमाल का है, 1 मिनट के अंदर उसने 1.5 लाख का चेक काट के दिया है मुझे। अरे वो तो तू अपने ज्योतिष से डरा देता है ना उसे, उसी से, वरना कौन देता है? नहीं नहीं बाबू जी, ये सब अपने मन को बहलाने के लिए तर्क है। सच्चाई ये है कि जब वो देना तय करता है ना, वो तो वो देता है। तरीका कोई हो, निमित्त कोई हो, लेकिन वो देना चाहे तो वो देता है। आप, मैं, वो सेठ, ये सब तो बीच ही खाना पूर्ति है बाबू जी। हाँ हाँ, खाना पूर्ति सही, पर इसका मंथली इंस्टॉलमेंट कितना होगा? 5,000 के करीब आएगा। 5,000? वो आप देखना। महीने 5,000 रुपए? हाँ देखूंगा मैं। नहीं लेकिन आप क्यों देखेंगे? तो और कौन देखेगा? वो देखेगा अग्नि। अग्नि? उसकी शादी के लिए आप लोन ले रहे हैं, वो नहीं देखेगा? हाँ पर उसे वसूल करूंगा मैं। बाबू जी बात वसूल करने नहीं करने की नहीं है, बात लाइफ में टारगेट फिक्स करने की, कि भाई ये ले तेरी वाइफ और ये ले तेरी लाइफ। अब जिंदगी में जो तू कमाएगा वो 5,000 के ऊपर कमाना, क्योंकि तेरे को ये पैसा चुकाना है। तो इससे जरा क्या होगा, लाइफ की बिगनिंग जो है जरा ब्राइट हो जाएगी। पर बेटा कर पाएगा वो इतना? करने की ऐसी मुश्किल शर्त आप पैदा नहीं करेंगे तो जिंदगी भर ऐसे ही लड़ता बिड़ता रहेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। ये तो है। जितनी तुम्हें जरूरत क्या थी शीन के पास जाने की? राजीव मैं अग्नि की बात कर रही हूँ, उसने शीन के सामने मेरी इंसल्ट की है। अरे अग्नि तो वैसे ही एरोगेंट आदमी है, तुम्हें तो पता है ना, लेकिन इसका मतलब ये है कि तुम शीन के साथ सड़कों पर जाकर झगड़ा करोगी? अरे मैं झगड़ा वहां कर रही थी, बात कर रही थी उससे। लेकिन क्यों? तुम क्यों बात करते हो उससे? लो ये फिर वही बात कर दी तुमने। अरे बड़ी अजीब बात है, तुम बात करते हो तो फ्रेंडशिप, मैं बात करूं तो गलत? क्योंकि तुम्हारा इंटेंशन उसके साथ थॉट एक्सचेंज करना नहीं होगा, ये मैं खड़े खड़े बता सकता हूँ। तुम यहाँ खड़े खड़े कुछ भी कहो पर राजीव, पर तुम सड़कों पर जाकर सीन क्रिएट करती रहोगी। लेकिन तुम किसी गलत फहमी मत रहना, मैं खिलौना नहीं बनने वाला, समझी तुम? कौन घंटी बजा रहा है? दरवाजा खोलोगी तो दिख जाएगा ना। क्यों, तुम जाके नहीं खोल सकते थे?